नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों एक दीपक करेगा आपकी जिंदगी में चमत्कार। तो संध्या वेला में यानी कि गौ दूल्ही वेला में दीपक क्यों जलाना चाहिए और ये कैसे चमत्कार करेगा, तो इस बात की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। जब इस दीपक को आप जलाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों एक दो दिन में आपकी जिंदगी में खुद ही महसूस करने लगेंगे। जिस दिन आप दीपक जलाएंगे उसी दिन आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दीपक जलाने के फायदे क्या हैं और क्यों जलाया जाता है, संध्या वेला में ही क्यों। दोस्तों दरिद्रता और मां लक्ष्मी ये दोनों आपस में बहन है, महालक्ष्मी और दरिद्रता। दरिद्रता जो है वो मां लक्ष्मी की बड़ी बहन है और मां लक्ष्मी जो है उनकी छोटी बहन है। दरिद्रता का एक समय होता है जब वो घर के अंदर प्रवेश करती है और वो समय होता है गौ दूल्ही वेला। दरिद्रता जो होती है दिन भर आराम करती है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो दोस्तों कहा जाता है कि पश्चिम दिशा में असुरों का, राक्षसों का वास होता है। और जब पश्चिम में सूर्य भगवान जब पूर्व दिशा से जब पश्चिम में अस्त होते हैं तो वहां पर इस समय गौ दूल्ही वेला में यानी कि संध्या वेला में सूर्य भगवान दैत्यों से युद्ध कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि संध्या समय में कभी भी कोई भी भोजन पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस समय संध्या वेला में सिर्फ भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस समय क्या होता है, भगवान सूर्य को शक्ति प्राप्त होती है और उनको शक्ति प्राप्त होती है तो वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों क्या है, संध्या वेला जो होती है, गौ दूल्ही वेला होती है, इस समय दरिद्रता बढ़िया अंगड़ाई लेके उठ करके और सीधे निकल जाती है घरों में प्रवेश करने के लिए। इनको रोकने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने मुख्य दरवाजे पर एक दिया जला दें। आप दिया किस चीज का जलाएंगे, इसमें भी ये बात भी मायने रखती है, आपको घी का दीपक नहीं जलाना है यहां पे। तो इस समय क्या होता है दोस्तों, अगर दरिद्रता देख लेती है जिस घर में कोई दिया नहीं जल रहा है, दिया जो होता है मुख्य द्वार पर लगाने पर यह पहरा देने लग जाता है। दरिद्रता अगर देख लेती है कि दीपक है, दीपक जो है सूर्य भगवान का भी प्रतीक माना गया है और श्रीहरि नारायण का भी प्रतीक माना गया है, तो जहां पर दीपक जल रहा होता है दरिद्रता जो होती है गेट के बाहर से देख कर ही वहां से भाग जाती है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और जिस दिन आप दीपक जलाएंगे उसी दिन आप देखेंगे कि आपको मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस होगी, क्योंकि उस दिन आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, यानी कि दरिद्रता आपके घर में आ ही नहीं पाएगी। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने एक दिया लेना है। सबसे अगर फर्स्ट नंबर पे देखा जाए तो आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है, ये पहले नंबर पे है। आप सरसों का तेल का नहीं है तो आप चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं, इनके अलावा किसी भी तेल का दिया आप ना जलाएं। इससे क्या, आपके घर में दरिद्रता जो है वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगी और जहां दरिद्रता होती है वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं आती है, भूल कर भी नहीं आती है। आपस में इनके संबंध है, इनकी बातचीत हो चुकी है कि जहां दरिद्रता होगी वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी और जहां महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती है वहां दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन आने का समय बस ये होता है कि दरिद्रता जो होती है वो पहले आती है, लक्ष्मी जी बाद में आती है। जब दरिद्रता घूम के सब जगह से देख लेती है और जहां प्रवेश कर गई, जहां नहीं कर पाई, जहां पर नहीं कर पाती है वहां लक्ष्मी जी आती है, और जहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है वहां लक्ष्मी जी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, गौ दूल्ही वेला यानी कि दिन का अंत और रात्रि की शुरुआत, जब आप देख लें कि सूर्य अस्त हो चुका है, हल्का हल्का सा जो धीमा धीमा उजाला रहता है कि सूर्य अस्त हो जाता है और हल्का हल्का उजाला होता है, उसी समय आपको क्या करना है, आपको दिया लेना है और अपने मुख्य द्वार पे आपको जला देना है। कम से कम आधे घंटे तक दिया जलता रहे, इतना तेल डाल दे, आधा से 15 मिनट जलता रहे, कंटिन्यू डेली इस प्रयोग को करिए। अब वैज्ञानिक तथ्य देखें दोस्तों, तो इस समय क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। कहा जाता है कि पहले के लोग दिया जलाते थे, लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो मुख्य द्वार जो होता था जब वहां से प्रवेश करते थे तो मुख्य द्वार में दिया रखने का रीजन ये था कि कोई देखे तो कोई दरवाजे में टकराए ना, तो दिया सामने रख दिया जाता था कि ये मुख्य द्वार है। और दूसरा कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जहरीले जीव जंतु होते हैं, वो दिया के किनारे आके इकट्ठे हो जाते थे, ये इसका वैज्ञानिक कारण है। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है ये दरिद्रता का वास माना जाता है। अगर मुख्य द्वार पे जिस घर में दिया नहीं जलता है संध्या वेला में,
गौधूली विला में, उस घर में निश्चित रूप से कलह रहता है, हमेशा जिंदगी भर कलह रहेगा, कभी शांति आ ही नहीं सकती। बस ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद में उसी दिन से आपको शांति महसूस होगी, मानसिक रूप से आपको बहुत शांति मिलेगी। अगर आपने इस प्रयोग को किया और कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो आज से एक नियम बना ले दोस्तों कि जैसे ही सूर्य अगर अस्त हो रहा है, गूगल में भी सर्च कर लेंगे सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप दिया जला दें, दरिद्रता के निकलने से पहले ही आपके घर में दिया जल जाए तो आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो दोस्तों ये थी दिए की छोटी सी जानकारी, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।